एक ओर जहां पेरिस ओलंपिक के ऑफिशियली आगाज से पहले गेम्स शुरू हो चुके हैं, तो दूसरी ओर भारत के हर नागरिक के लिए एक गर्व की बात सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक मूवमेंट में अभिनव बिंद्रा के उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। पुरस्कार समारोह ओलंपिक के समापन से एक दिन पहले 10 अगस्त को पेरिस में 142वें IOC सत्र के दौरान आयोजित किया जाएगा। गोल्डन बॉय के ये अवार्ड मिलने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित जाना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अभिनव को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, उन्हें बधाई। चाहे एथलीट के रूप में हो या आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक संरक्षक के रूप में, उन्होंने खेलों व ओलंपिक मूवमेंट में उल्लेखनीय योगदान दिया है। दूसरी ओर गृह मंत्री ने लिखा, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने पर अभिनव बिंद्रा को बधाई। अनुकरणीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा अपने ज्ञानवर्धक मार्गदर्शन से एथलीटों को प्रेरित करते रहते हैं। मेरी सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। बता दें कि बीजिंग ओलंपिक में अभिनव ने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल टूर्नामेंट का गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला सर्वोच्च ओलंपिक सम्मान है। 10 अगस्त को पेरिस में आयोजित होने वाले 142वें IOC सत्र में भारतीय निशानेबाज को सम्मानित किया जाएगा। ओलंपिक ऑर्डर सम्मान की स्थापना 1975 में हुई थी। शुरुआत में ये पुरस्कार गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कैटेगरी में विशिष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता था। 1984 में रिव्यू के बाद IOC ने सिल्वर और ब्रॉन्ज की कैटेगरी को समाप्त कर दिया। इसके बाद यह तय किया गया कि अब ये पुरस्कार सिर्फ गोल्ड कैटेगरी में ओलंपिक खेलों में विशिष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों को ही दिया जाएगा। IOC ओलंपिक की मेज़बानी करने वाले राष्ट्र प्रमुखों को भी ये पुरस्कार देता रहा है। परंपरागत रूप से IOC प्रत्येक ओलंपिक गेम्स के समापन समारोह में ये सम्मान वितरित किया जाता रहा है। दुनिया में अब तक 116 हस्तियों को गोल्ड ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार मिल चुका है। अभी तक इसमें सिर्फ एक भारतीय शामिल है। अभिनव को ये सम्मान ओलंपिक आंदोलन में अहम भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। वह अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन की मदद से भारतीय खेलों को आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खेल और ओलंपिक से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए NBT स्पोर्ट्स के साथ। ओलंपिक के साथ साथ आपको अन्य खेल की भी तमाम खबरें अप टू डेट हमारे NBT ऑनलाइन पर यानी NBT स्पोर्ट्स पर देखने को मिलेंगी। फिलहाल मैं रहील सैयद आपसे इजाज़त लेता हूँ।